हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है रजत शर्मा को। मुझे पर्सनली लगता है कि रजत शर्मा एक्टिंग कर रहे हैं ये दिखाने की कि वो सबसे ऑनेस्ट जर्नलिस्ट हैं और सबसे अच्छा जर्नलिज्म करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वो सचमुच में एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं या फिर एक्टिंग कर रहे हैं, क्या वो सचमुच अनबायस्ड जर्नलिस्ट हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वैसे मैं रिक्वेस्ट करता नहीं हूँ किसी भी वीडियो के लिए, बट इस वीडियो के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। अब पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो कि 2014 के एक इंटरव्यू का है। उन्होंने मुझे कहा कि नरेंद्र मोदी ने ये प्रचार, ये आपकी सरकार, ये सब नारा बनाने के लिए एक अमेरिकन एजेंसी को हायर किया है, उसको 1,000 करोड़ रुपए दिए। देखिए, आपकी सोच का और आपके शब्दों के चयन का क्या हाल होता है उसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आजम खान साहब उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा आज़ादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो, कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। आप एकता की बात कर रहे हैं लेकिन आपके नाम से देश टूट सकता है। अगर टीम के रूप में काम कर रहे हैं तो पिछले 6 महीने में अडवाणी जी 3 बार क्यों रूठ गए? तो ये इंटरव्यू तब लिया गया था जब नरेंद्र मोदी जी इंडिया के पीएम नहीं बने थे, और इस इंटरव्यू में रजत शर्मा ने काफी जेन्युइन क्वेश्चन किए थे जो कि ऑब्वियसली करने भी चाहिए क्योंकि हर एक जर्नलिस्ट का ये काम होता है। और पर्सनली मुझे ये इंटरव्यू काफी अच्छा लगा था। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो रजत शर्मा ने एक बार फिर से उनका 2019 में इंटरव्यू लिया जो कि आपकी अदालत के इंटरव्यू जैसा ही था। उस इंटरव्यू का टाइटल था कि इस इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी जी अपने पिछले 5 साल के कामों का हिसाब किताब लेंगे। तो चलिए इस इंटरव्यू के कुछ क्लिप हम देख लेते हैं। मोदी जी, 5 साल बाद मोबाइल पर फिर से मैसेज आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि देश की उम्मीदों का नाम है मोदी और दुश्मनों की मौत का पैगाम है मोदी। तो सबसे बड़ी चिंता लोगों की थी कि ये तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, कोई अनुभव नहीं है, विदेश नीति कैसे चलेगी। तो कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसे आपने विदेश नीति को बाएं हाथ का खेल बना दिया। कुछ तस्वीरें हम देखते हैं। एक गरीब परिवार का कोई विदेशों में पढ़ा हुआ व्यक्ति ने एक चाय वाला इतने बड़े बड़े दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, इतना नॉर्मल। अमेरिका ने तो मोदी जी आपको वीजा भी दिया था कई साल तक, और फिर 5 बार अमेरिका। ट्रंप के बारे में तो लोग कहते हैं बहुत टेढ़े इंसान हैं, और लेकिन उनसे आपने ऐसी आत्मीयता कर ली, वो कहते हैं इवांका मोदी जी के फैन। ये बता दीजिए कि ये हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को आपने छुड़वाया कैसे? एक अमेरिकन ने रिपोर्ट किया कि आपने 12 मिसाइल लगा दिए थे पाकिस्तान के सामने। चाइना ने मसूद अजहर के मामले पर तो आपको मिलेगा कि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। रजत शर्मा ने मोदी जी से सिर्फ वही क्वेश्चन किए हैं जिनमें नरेंद्र मोदी जी की तारीफ हो, यानी सारे के सारे क्वेश्चन आंसर लोडेड क्वेश्चन है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि देश की जनता जानना चाहती है कि आप फकीर हो या नहीं, अब इस क्वेश्चन में आंसर आपको देना है। बट अगर मैं सेम सा क्वेश्चन इस तरीके से करूं कि देश की जनता जानना चाहती है कि आप में इतनी फकीरी कहां से आती है, अब दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस देखिए। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है, आप जो भी आंसर देंगे उसका मतलब सिर्फ यही निकलेगा कि आप ऑलरेडी फकीर हैं, यानी आप में फकीरी भरी पड़ी है। अब आप आंसर दे सकते हैं टाइम पास के लिए, कुछ भी, वो सब चलेगा। तो पिछले 2014 के इंटरव्यू के कंपैरिजन में इस सारे इंटरव्यू में सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जिसमें कोई भी जेन्युइन टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं किया गया। यानी बात हो सकती थी ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए, डीमोनेटाइजेशन के फेलियर के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे, इन सभी टॉपिक्स पर भी क्वेश्चन किए जा सकते थे, बट रजत शर्मा ने एक भी ऐसा जेन्युइन क्वेश्चन नहीं किया। पता नहीं एकदम से रजत शर्मा को क्या हो गया कि जैसे ही नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने वो इतने सॉफ्ट अप्रोच से उनका इंटरव्यू करने लग गए। अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूं जो योगी आदित्यनाथ का है,
तब जब वो यूपी के सीएम नहीं बने थे, तब वो आपकी अदालत में आए थे और रजत शर्मा ने उनका इंटरव्यू लिया था, तो ये वीडियो भी आप देखिए। योगी आदित्यनाथ प्यार मोहब्बत पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, आपने लव जिहाद का सवाल उठाया है। हाँ, लव जिहाद के खिलाफ मैं पिछले 10 वर्षों से बोल रहा हूँ। लव जिहाद ये बता दीजिए, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। ऐसा सच आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहेंगे? गोरखपुर में कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, आपको सुनवाते हैं। योगी जी, आप भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है, आप लोगों से कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे, आप गब्बर सिंह हैं कि हमने। ये इंटरव्यू कितना जेन्युइन है आपने देखा। मुझे पर्सनली लगा था कि इस इंटरव्यू के बाद योगी जी का वहां से निकलना मुश्किल हो गया होगा। एक बार फिर से रजत शर्मा ने योगी आदित्यनाथ को आपकी अदालत में बुलाया और उनका इंटरव्यू एक बार फिर से हुआ। लेकिन योगी जी, जितना बजट आपका होगा उसमें से 2/3 तो चला जाएगा तनख्वाह देने में, 7th पे कमीशन लागू हो चुका है, जो बचा कुछ आप किसानों को कर माफ कर देंगे तो विकास के काम तो सारे रुक जाएंगे। सहयोग करें और मुझे पसंद था, कैसे मुकाबला करेंगे? आपने तो अपने घर के सारे एयर कंडीशनर निकलवा दिए। अगर खजाना खाली है तो किसानों के 36,000 करोड़ के कर्ज कैसे माफ कर दिए? कर रहे हैं, कहाँ से देंगे? दे रहे हैं। वो व्यक्ति जिसको सब लोग प्यार करते थे इतना कठोर कैसे हो सकता है? माता पिता को नहीं बताया, भाइयों को नहीं बताया, बहन को नहीं बताया। तो इस वीडियो में कैसे क्वेश्चन किए गए कि योगी जी आपने यूपी के सीएम बनते ही यूपी की गुंडागर्दी कैसे खत्म कर दी? आपने फर्क देखा है इसमें कि कितनी एक सॉफ्ट अप्रोच ली गई है। यहाँ पे मैं एक क्लिप और प्ले करना चाहूंगा। सर, क्या आप चलाएंगे वो मुझे? हिंदुत्व, हिंदुत्व मतलब एनजेडी पे जो आप चलाएंगे, हाँ, मैं समझो वो नॉन पॉलिटिकल, वो नॉन पॉलिटिकल है फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए। फर्स्ट 3 मंथ्स हमारी ये रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है, फिर उसके बाद सेमी पॉलिटिकल कैसे जाना है, कहाँ जाना है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई साहब से के साथ भी एक प्रणाम व्यवस्था में मिलूंगा, तो देखते हैं। हाँ, तो एक 15 सेकंड का प्रणाम हो जाए। भाई साहब का नाम ही बोल दो भाई, तो बात ही छोड़ दो, इस मार्केट के अंदर चीज़ ही क्रेडिबिलिटी की है। अभी कोई लक्षण नहीं, 3 महीने सॉफ्ट हिंदुत्व, ताकि हिंदुत्व का एक ऑरा क्रिएट हो जाए, ताकि हम इलेक्शन के मोड में जब जाएँ तो एक माहौल बन चुका है। देख भाई, पैसे ले ले, लेकिन हिंदुत्व से कम कम कमरवाई देना चाहिए बस। ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया बस। आपको मिलवाएंगे रजिस्ट्री उनके ऑफिस में? बस बस बस, उतना फंडामेंट भी बहुत है उनके, बहुत बहुत। भाई साहब के श्रीमुख से निकला, आप करिया चाह रही बस, ये इशारा ही इशारे काफी बस, ये चीज़ें ना इशारों में होती, ये ना वैसे खुल के नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये जैसे फर्स्ट फेज तो हो गया सॉफ्ट हिंदुत्व वाला, ये हम श्रीमद् भागवत गीता को लेके चले, उसके बाद 3 महीने के बाद थोड़ा सेमी पॉलिटिकल होना है, तो उसमें ये पप्पू अप्पू हैं, तो मेरा जो अटैक है वो पप्पू वर्ड पे है, सब लोग समझते हैं हमने नाम लेना नहीं है। ठीक है, लेकिन वो पॉलिटिकल आ गया, वो भी पॉलिटिकल। हाँ हाँ, वो प्रीमियम मेरे में कोई चक्कर नहीं है, वो हम देख लें, ताकि पब्लिक की रिकॉल वैल्यू में पप्पू चलता रहे, वो करेक्टर असेसिनेशन कौन 2019 तक के लिए जा रहे हो? दैट्स इट, वो गेयर डला रहे बस, वो गेयर ऐसे ही चलते, वो ऐसे ही चलता रहे, बाकी ठीक है। बुआ बबुआ मायावती और वो भी है, ट्रांजेक्शन उसी दिन होगी जिस दिन आप मुझे नमस्कार करा दें, शाम को तक भाई साहब खुद तक करवा दें। ठीक है, क्योंकि हमें एक आदेश रहता है कि ओनर से आके प्रणाम करते हैं। सर, डायरेक्टली कभी नहीं कहेंगे, वो कहेंगे हम आपके साथ हैं बस, बस उतना भी कुछ भी, उन्होंने प्रणाम भी कर दिया ना, स्माइल भी दे दी, कुछ तो होगा 100% बस, वो प्रेम भाव बनना चाहिए। ये वीडियो क्लिप है एक स्टिंग ऑपरेशन की जो इंडिया टीवी पर किया गया था, और आपको पता है इंडिया टीवी के ओनर कौन है? वो है रजत शर्मा। इस स्टिंग ऑपरेशन में इंडिया टीवी को ऑफर दिया गया था कि क्या वो पैसे के बदले अपने चैनल पर कुछ भी दिखाने को तैयार हैं, तो इंडिया टीवी ने ना सिर्फ इस ऑफर को एक्सेप्ट किया बल्कि इस ऑफर पर सजेशन भी दी कि जो आप दिखाना चाहते हैं उसको हम कितने अच्छे तरीके से और प्रेजेंट कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो में रजत शर्मा का नाम बार बार लिया गया और आप सबको पता है कि इस चीज़ का क्या मतलब निकलता है।
रिसेंटली रजत शर्मा ने फार्म लॉज पर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि माई एडवाइस टू फार्मर्स एमेंड फार्म लॉज गिव देम अ ट्राई देन एजिटेट इफ यू आर नॉट हैप्पी. जिसको गन्ने जवार और बाजरा के बीच में फर्क नहीं पता वो फार्म लॉज पर यानी फार्मर्स को वो जजमेंट दे रहा है. उस कमरे में 7 भाई एक बहन एक बीमार पिताजी और एक बीमार माँ 10 लोग उस 10x10 के कमरे में रहते थे. एक घर था पूरे मोहल्ले हम जो जिस घर में हम रहते थे वहाँ तो न टीवी था बिजली नहीं थी पानी नहीं था और समझ लीजिए अभाव की थी खाना भी नहीं मिलता था कई कई दिन. नहाने के लिए गली के नुक्कड़ पे एक नल था वहाँ जाते थे वहाँ से हम नहाते और 2 बाल्टी पानी एक बहन के लिए एक माँ के लिए ले आते. पढ़ने के लिए रात को मैं रेलवे स्टेशन पर जाता था क्योंकि हमारे घर में बिजली नहीं थी. इतनी जगह नहीं थी कि हम लोग उस पर फर्श पे सो पाए तो जैसे कपड़े के थान दुकान में रखे होते एक के ऊपर एक ऐसे करके सोते थे. नहाने के लिए गली के नुक्कड़ पे एक नल था वहाँ जाते थे और 2 बाल्टी पानी भाई और माँ के लिए ले आते थे और रात को पढ़ने के लिए एक रेलवे स्टेशन था वहाँ जाते थे. और ये क्या है ये जब भी टीवी पर आते हैं अपनी गरीबी की कहानी बताने लग जाते हैं. ये कम से कम 20-30 बार टीवी चैनल पर अपनी पूरी कहानी बता चुके हैं कि मैं गरीब हूँ. क्योंकि वैसे तो इनको कोई देखना पसंद नहीं करता. इनको लगता है क्या पता इमोशनल सिंपैथी के लिए इनको देखना कोई शुरू कर दे. वैसे रजत शर्मा क्लेम करते हैं कि वो किसी भी पार्टी की तरफ नहीं है बट वीडियो के लास्ट में मैं आपको रजत शर्मा की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताना चाहूँगा. तो रिसेंटली रजत शर्मा ने एक आर्टिकल लिखा था 1975 की इमरजेंसी पर और उस आर्टिकल में इन्होंने खुद कहा है कि 1975 में इन्होंने जेपी मूवमेंट को ज्वाइन किया. जेपी मूवमेंट बेसिकली जयप्रकाश नारायण मूवमेंट था जो कि उस टाइम पर काफ़ी बड़ा मूवमेंट था. तो उन्होंने उस टाइम पे जेपी मूवमेंट ज्वाइन किया. जयप्रकाश नारायण जनता पार्टी के लीडर थे और उन्हीं की गाइडेंस के बाद जनता पार्टी को बनाया गया था जो कि बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी. तो इस हिसाब से रजत शर्मा कौन सी पार्टी की तरफ हुए. इस आर्टिकल में रजत शर्मा ने आगे लिखा कि 1975 की इमरजेंसी में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया था. ये बात मैं भी मानता हूं बट आज का क्या जो आज के टाइम में फ्रीडम ऑफ स्पीच का हाल है हमारे देश में उसका क्या. उसके बारे में तो इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा ही नहीं. आपको पता है कि इंडिया की 142वीं रैंक है फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडेक्स के मामले में टोटल 180 कंट्रीज में से. बट ये चीज़ तो इन्होंने लिखी ही नहीं क्योंकि इनको 2024 का इलेक्शन जो जितवाना है. 2015 में रजत शर्मा को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पद्म भूषण अवार्ड दिया गया. एक RTI लगाई गई जिसमें ये पता चला कि 2015 की पद्म भूषण की लिस्ट में इनका नाम ही नहीं था. यानी जो नॉमिनी की लिस्ट होती है उनमें इनका नाम ही नहीं था तो ये एकदम से कहां से आ गए. फर्दर मोर इस RTI में पता चला कि अरुण जेटली जी ने ये अवार्ड इनको दिलवाया था और अरुण जेटली जी थे बीजेपी पार्टी की तरफ से. मैंने रिसर्च किया और पाया कि काफ़ी ज़्यादा और ऐसे फैक्ट हैं जो इनके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म पे क्वेश्चन खड़ा करते हैं बट मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल. हैव ए नाइस डे. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.